दोस्तों अगर आप रिंकू सिंह को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्य को आउट करने के बाद जब जूता दिखाते हुए तबरेज शमसी ने बदतमीजी की सभी हदों को पार किया तो गुस्से से आग बबूला रिंकू ने तो अपने बल्ले से ही उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब बीच मैदान में आपस में लड़ पड़े शमसी और रिंकू? आखिर कैसे सूर्य की बेइज्जती का बदला लेते हुए रिंकू ने अफ्रीका को दिन में तारे दिखा दिए? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दो रिंकू सिंह ने ऐसा छक्का मार दिया था जिसकी वजह से कमेंट्री बॉक्स का कांच टूट गया था। बताएंगे आपको कैसे रिंकू सिंह ने अपना बदला लिया। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की खतरनाक खराब शुरुआत के बाद रिंकू और सूर्य ने तो अफ्रीका की हालत ही खराब करके रख दी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर 70 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप बनाई, टीम इंडिया को 100 रनों पर पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन इसी दरमियान सूर्य का विकेट चटकाने के बाद शमसी ने तो बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया। जी हां दोस्तों, दरअसल 4 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 56 रन बना चुके सूर्य तबरेज शमसी का शिकार हुए। लेकिन तभी जश्न में शमसी ने सूर्य के विकेट को सेलिब्रेट करते हुए अपना जूता निकाला और कॉल करते हुए अपने अलग ही अंदाज में सूर्य को पवेलियन जाने का इशारा किया। बस फिर क्या था, उनका यह अभद्र सेलिब्रेशन देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े रिंकू का भी गुस्सा फूट पड़ा था। यहाँ तक कि सूर्य को भी वो पसंद नहीं आया, लेकिन सूर्य चुपचाप वहाँ से लौट गए। पर रिंकू इतने में ही कहाँ छोड़ने वाले थे। गुस्से में रिंकू सिंह ने तबरेज शमसी को आंखें दिखाते हुए उनके सेलिब्रेशन पर आपत्ति जताई। यहाँ तक कि रिंकू ने उनसे कुछ बात करने का भी कोशिश की थी, हालांकि शमसी ने वहाँ रिंकू से विवाद मोल नहीं लिया। दोनों खिलाड़ी आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। यहाँ तक कि रिंकू ने एम्पायर से भी इस पर नाराजगी जताई, लेकिन जब उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया तब तो रिंकू ने अकेले ही अफ्रीका को धोने का मन बना लिया। उसके बाद तो रिंकू सिंह ने अकेले ही अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, चाहे शमसी हो या फिर मार्को जॉनसन, सामने कोई भी गेंदबाज आए रिंकू ने तो किसी पर भी रहम नहीं किया। हालांकि उन्होंने बिना छक्कों के अपना अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन इस दरमियान उन्होंने वो बेहद खतरनाक चौके लगाए थे। यानी कि 36 रन तो उन्होंने केवल चौके से ही पूरे कर लिए थे और वो भी केवल 30 गेंद पर। यानी कि उनका स्ट्राइक रेट तो 160 से भी अधिक का था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है उन्होंने सीखा ही नहीं। शमसी तो केवल उन्होंने खास तौर पर बहुत धोया और सूर्य की बेइज्जती का बदला लेते हुए बता दिया कि टीम इंडिया से उलझना उनकी कितनी बड़ी भूल थी। एक के बाद एक कई छक्के बरसाते हुए उन्होंने टीम इंडिया को 180 रनों के पार पहुंचाया और अफ्रीका को बताया कि रिंकू कितने बड़े खिलाड़ी हैं। जहां रिंकू सिंह ने तो आज अकेले ही अफ्रीका की शामत ला दी। और दोस्तों वहीं आपको बता दें कि रिंकू सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 छक्के भी ठोक दिए और एक छक्का तो इतना लंबा मार दिया कि कमेंटेटर बॉक्स में जाकर लगा। और जैसे ही छक्का कमेंट्री बॉक्स में गया तो कमेंट्री बॉक्स का कांच भी टूट गया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया था। जितनी शक्ति से रिंकू सिंह ने छक्का मारा था वो देखने में बहुत लाजवाब था। लेकिन दोस्तों आप सभी रिंकू सिंह के इस छक्के को 10 में से कितने नंबर देंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी बारिश ने डाल दिया खलल। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेला जिसमें बारिश के चलते मैच को रोकना पड़ा। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका की टीम को एक नया टारगेट बारिश के आने के कारण दिया गया। तो आखिरकार बारिश के आने के बाद अब मैच कितने बजे से कितने ओवर का खेला जाने वाला है, इस बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, साथ में मौसम की पूरी अपडेट भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में से कौन है भारतीय टीम का इस समय का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। तो वहीं दूसरा टी20 मैच आज खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर के अंदर बारिश के कारण 180 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। आपको बता दें इस मैच में भारतीय टीम ने 5 बड़े बदलाव किए और भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन को लौट गए। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 56 रन का योगदान दिया। तो रिंकू सिंह ने नाबाद 68 रन की पारी खेली। इसके अलावा तिलक वर्मा ने 29 और जडेजा ने 19 रन का योगदान दिया। इस बीच साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से गेराल्ड गोएटजी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। हालांकि अचानक से बारिश आने के कारण मैच को रोकना पड़ा। तो वहीं भारतीय टीम की बैटिंग की 3 गेंद बाकी थी, लेकिन बारिश के काफी तेज आने के कारण भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का आगे मौका नहीं दिया और साउथ अफ्रीका की टीम को बुलाया गया। लेकिन बारिश काफी ज्यादा तेजी से आ रही थी, जिसके चलते लग रहा था कि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में आगे खेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ देर बाद बारिश के धीमी होने की आशंका दिखाई दी, क्योंकि अब धीरे धीरे दिन के ढलने के साथ बारिश का साया कम होगा ऐसा माना जा रहा है।
कि बारिश के समाप्त होने के बाद मैच को एक घंटे के बाद दोबारा 10 ओवरों का कराया जा सकता है, और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो कम से कम 5 ओवर में मुश्किल टारगेट दिया जा सकता है। अगर बारिश आगे भी नहीं रुकती है तो मैच को यहीं से रद्द करना पड़ेगा और सीरीज का अंतिम मैच एकमात्र निर्णायक मैच के तौर पर खेला जा सकता है। अगर आप भी रिंकू सिंह को बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह ने अपने खतरनाक बल्लेबाजी से आज मैदान के कांच तो तोड़े ही, साथ ही बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। रिंकू के इस खास छक्के और साथ ही रिकॉर्ड का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिंकू और सूर्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से अब भारतीय क्रिकेट टीम नीली जर्सी में हमें मैदान में दिखने लगी है। कहने को तो अफ्रीका का दौरा करने पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की सीरीज कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन कमबख्त बारिश इतनी तेज थी कि मैदान में खेल तो छोड़िए टॉस तक नहीं हो पाया। खैर, वो मुकाबला तो रद्द हुआ, लेकिन आज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में भारत और अफ्रीकी टीम फिर से आमने सामने है। और T20 के नए नवेले कप्तान सूर्या की कप्तानी का नतीजा और उनकी परफॉर्मेंस तो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में देख ही चुके थे, लेकिन अब वक्त था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने का, और कहना पड़ेगा कि कप्तान आज यहाँ भी नहीं झुके। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अपनी पूरी तगड़ी स्क्वाड लेकर मैदान में उतरी है, शायद वो भी T20 विश्व कप की तैयारियों में अभी से जुटना चाहते हैं। मुकाबला शुरू होता है और अफ्रीकी कैप्टन माक्रम टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए पहले चुनते हैं गेंदबाजी, और टीम की शुरुआत कितनी ज्यादा खतरनाक थी आप इस बात का अंदाजा इसी आंकड़े से लगा लीजिए कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों शून्य पर आउट हो गए थे, हमारे 6 रन स्कोरबोर्ड पर थे और 2 विकेट गिर गए थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारा प्रेशर उतार कर भारतीय खिलाड़ियों ने ना अफ्रीका की टीम पर लाद दिया था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी ने। दोस्तों, हमारा विकेट दूसरे ओवर में गिरा और पहले ओवर में, लेकिन इसके बाद अगला विकेट लेने के लिए 5 से 6 ओवर लग गए और इस बीच आए रनों की आंधी। तिलक वर्मा साहब का जहां 20 गेंदों में 4 चौके लगाकर 1 छक्का लगाकर 145 का स्ट्राइक रेट था और 29 रन भी, तो कप्तान सूर्य का भी क्या ही कहना, उन्होंने तो 12 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों पूरे 26 रन बना डाले थे। और रिंकू सिंह तो आते ही मैदान में पहली गेंद पर चौका जड़कर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब कि जिस भारतीय क्रिकेट टीम के 2 ओवर में 6/2 विकेट थे उसके 6ठे ओवर के खत्म होने तक 60 से ज्यादा रन हो चुके थे, भले ही हमारे 3 विकेट गिर गए थे। और दोस्तों, मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने प्रेशर लेने से ज्यादा टीम के लिए परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी समझा और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, फिर वो चाहे तिलक वर्मा हो या फिर रिंकू सिंह क्यों ना हो। इसी तरीके से दोस्तों, इन खिलाड़ियों की खौफनाक बल्लेबाजी जारी रही और 10 ओवर में हम फिर 100 तक पहुंच ही गए थे। और दोस्तों, सूर्या ने अपनी इसी खतरनाक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए ना 29 गेंदों के अंदर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपना 50 पूरा कर लिया था। 5 चौके 3 छक्के इनकी पारी में शुमार थे और 30 गेंदों में अब इनके 55 रन से ज्यादा हो चुके थे। उधर रिंकू का भी तूफान आ चुका था जो 14 गेंदों में 20 से ज्यादा रन बना चुके थे। जिस भारतीय क्रिकेट टीम के दोस्तों 6/2 विकेट थे ना, अब 3 विकेट पर उसके 105 से ज्यादा रन थे इन दोनों की बदौलत। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने तो 50 जड़ा ही, लेकिन आगे चलकर रिंकू सिंह भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ना अपना 50 तो जड़ ही गए, साथ ही ऐसी पारी खेली कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले। दोस्तों, रिंकू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपको बता दें कि 38 गेंदों में इस जांबाज ने 9 चौके 1 छक्का लगाकर पूरे 65 रन ठोक दिए थे, लेकिन जैसे इनका 50 हुआ ना, इन्होंने कई रिकॉर्ड ही बनाए। दोस्तों, रिंकू के करियर का ये पहला 50 था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बना साउथ अफ्रीका में, और इस मैदान पर ऐसा करने वाले रिंकू सिंह केवल इकलौते भारतीय हैं इतनी कम उम्र में। इनफैक्ट इस पिच पर तो बड़े से बड़े दिग्गज फेल होते हैं, वहीं रिंकू ने पारी खेली और ये दोस्तों सबसे ज्यादा तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से खेली गई पारी भी बन गई है इस मैदान पर भारत की तरफ से अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों, रिंकू तो कुछ ऐसे ही है, बल्लेबाजी करते हैं तो रिकॉर्ड्स बनते हैं ही। और दोस्तों, इन्हीं रिकॉर्ड्स के साथ साथ ना रिंकू ने अपनी पारी में एक ऐसा खतरनाक छक्का भी जड़ा था एडम माक्रम को, जो कि सीधा जाकर लगा मीडिया बॉक्स में लगी विंडो के ग्लास पर, और ग्लास किस तरीके से चकनाचूर हो गया उसका उदाहरण आपके सामने है तस्वीरों के साथ। दोस्तों, रिंकू की इसी रिकॉर्ड तोड़ पारी और इस सिक्स को खास तौर पर आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। सूर्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे T20 मैच में टॉस के बॉस बने हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव,
किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला, तो भारतीय बल्लेबाजों ने भी उड़ा दी है अफ्रीका की धज्जियां। तो आखिर कितने रनों तक पहुंच चुकी है भारतीय टीम, कहां खेला जा रहा है इंडिया और अफ्रीका के बीच निर्णायक दूसरा टी20 मुकाबला, आखिर किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में इतिहास रचने उतरे हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, क्या है साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, कैसा है मौसम का हाल, क्या बारिश इस मुकाबले में भी बनेगी विलन, सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या, रिंकू और डेविड मिलर में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टी20 मैचों की शुरुआत अच्छी नहीं रही, दोनों टीमों की तरफ से सीरीज में बढ़त दर्ज करने का प्रयास देखने को मिलता, लेकिन बारिश ने मामला खराब कर दिया। रविवार को होने वाले पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद खेलने बिना रद्द हो गया। लगातार बारिश के कारण मैच में टॉस ही नहीं हो पाया और मैच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण पिच को कवर से ढक कर रखा गया। करीब 2.5 घंटे बीतने के बावजूद किंग्स मीड स्टेडियम से फैंस के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं आई, लगातार बारिश होती रही। बाद में मैच अधिकारियों ने इसे रद्द करने का फैसला किया और सभी का दिल टूट गया। पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद अब सीरीज में महज 2 ही मुकाबले और बचे हैं, दोनों मैच जीतने वाली टीम ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगी और दक्षिण अफ्रीका के पास घरेलू मैदान का एडवांटेज रहेगा, पर भारतीय टीम को भी कम नहीं माना जा सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया भी पूरे तरीके से तैयार है अफ्रीका को हराकर यह टी20 सीरीज अपने नाम करने के लिए, जहां जेके बरहा शहर में टीम इंडिया एक नया इतिहास लिखेगी और इसी शहर के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में मुकाबला आयोजित करा जा रहा है, जिसका खूबसूरत स्टेडियम इस मुकाबले में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। और ठीक समय के अनुसार इस मुकाबले में बस थोड़ी देर में सिक्का उछाला जाने वाला है, जिस कारण समय 7 बजे सुनिश्चित किया गया था और 7:30 बजे से मुकाबला भी शुरू हो जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले को किसी भी सूरत में अपने नाम करना चाहेगी, क्योंकि इस मुकाबले में जो भी जीतेगा वह सीरीज को भी लगभग अपने नाम कर ही लेगा और कम से कम हारेगी तो बिल्कुल भी नहीं। तभी तो यह मुकाबला इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि कोई भी इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेगा। हिंदुस्तान में इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर किया जा रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग भी स्पोर्ट्स के ही प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर की जा रही है, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। ये फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात चिंता की बारिश की तो फैंस को सबसे अधिक सता रही है। आपको बता दें मौसम रिपोर्ट के अनुसार यहाँ भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है, बेमौसम बरसात की वजह से अफ्रीका में माहौल खराब है। हालांकि 7:00 बजे से मुकाबला जब शुरू होगा तो उस समय ज्यादा बारिश की आशंका नजर नहीं आ रही, यानी कि हमें मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा, यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। वहीं इस मौके पर दोनों टीम चूकना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, तो ऐसे में एक सटीक प्लेइंग 11 दोनों टीमों के बीच मैदान में उतरने वाले हैं। तो चलिए अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं, जहां एक तरफ अपनी परिस्थितियों में अफ्रीका की टीम और भी ज्यादा खूंखार हो जाती है और उनकी टीम में कई बड़े बड़े और टी20 के मैच विनर खिलाड़ी भी शामिल हैं, तो बल्लेबाजी क्रम में अफ्रीका के बैकबोन के रूप में डेविड मिलर, हेनरी क्लासेन, कप्तान एडम मार्कम जैसे खूंखार बल्लेबाज अकेले दम पर ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। मध्यक्रम में रीजा हेनरिक्स और मार्को जॉनसन पर बिल्कुल भी रन दिखाने वाले, गेंद और बल्ले दोनों से करतब दिखाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। वहीं तबले शमसी सोमराज फिरकी से लेकर लुंगी एंगड़ी, एडिन फ्लकवायो और जेरार्ड कोएट्जे जैसे तेज गेंदबाजों से सजी अफ्रीका टीम इंडिया से वर्ल्ड कप का हिसाब किताब चुकता करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यानी कि भारत की युवा ब्रिगेड को सावधान तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सावधानी हटी और अफ्रीका में दुर्घटना घटी, भारतीय टीम को करारी हार से कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन टीम इंडिया भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। चलिए अब अपनी प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं, जहां टीम इंडिया के कमान कप्तान सूर्य के कंधों पर है। जोश और जुनून से भरा हुआ युवा दल पूरे तरीके से तैयार है। शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल ओपनिंग क्रम में भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाएंगे, तो वहीं मध्यक्रम में सूर्य के नेतृत्व में रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के बैकबोन के रूप में मैदान में कदम रखने वाले हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में लीडर रविंद्र जडेजा की वापसी से टीम इंडिया में 4 चांद लगे हैं और कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट में उनका बखूबी साथ निभाएंगे, तो दीपक चहर के साथ मिलकर अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार तेज गेंदबाजी आक्रमण से अफ्रीका की धज्जियां उड़ाने को बेकरार हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी इस दूसरे शतक में टी20 मुकाबले में लगाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब